जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। क्या लग रहा था जो जिस तरीके से जाति के नाम पर जो सपा बसपा देखिए जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के दिन समाप्त। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, 2017 में फिर उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने करके दिखाया है और 2019 के इस जनादेश ने तो साबित कर दिया कि नकारात्मक राजनीति के लिए, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के लिए, अवसरवादी और भ्रष्टाचार फैलाने वाले राजनीतिज्ञों के लिए अब राजनीति में कोई जगह नहीं। यहां पर सार्वजनिक जीवन की शुचिता पारदर्शिता के साथ साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश को सर्वोपरि मानते हुए अगर आप सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हैं तो आपके लिए कोई स्थान बचेगा। और एक सकारात्मक राजनीति को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आगे बढ़ाया है आज उसका परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिला। आपने भी बड़ी मेहनत करी है, हमने देखा पूरे चुनाव भर आप काफी बड़ा एक लगातार दौरे रहे और आपने ज्यादातर जहां जहां गए हैं वहां सब ज्यादातर बीजेपी को जीत मिली। देखिए हम लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस अभियान के एक सिपाही थे और हमें प्रसन्नता है कि हमें इस सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को जो प्राप्त हुआ है सचमुच मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थितियों में इस पूरे अभियान में लग करके परिश्रम की एक प्रकाष्ठा करते हुए इस विजय श्री को आज वरण कर रहे हैं उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।